दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज के प्रश्न करंट अफेयर के, यानी आज है 21 नवंबर, 21 नवंबर के जो भी प्रश्न करंट अफेयर के बन रहे हैं उनको लेकर मैं हाजिर हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत और जिस देश के बीच भारी तनाव के चलते बंद की गई पोस्टल सेवाओं को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है पोस्टल सेवाएं बंद थी एक तनाव के चलते, जिसको फिर से चालू कर दिया गया है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय बाघ अनुमान और इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के चौथे चक्र के अनुसार आंध्र प्रदेश और किस राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में वर्ष 2040 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 495 गीगावाट से बढ़ाकर कितने गीगावाट करने का अनुमान लगाया है? दोस्तों ये 2040 तक 3142 गीगावाट तक बढ़ाने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के अनुसार पिछले 5 दशकों में भारतीय तट पर समुद्र के जलस्तर में कितने सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है? दोस्तों ये बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है, 8.5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया जाएगा। हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जिस राज्य में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं तो वो राज्य है तमिलनाडु। IRCTC ने लग्जरी गोल्डन चैरियट ट्रेन के संचालन और प्रचार के लिए जिस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो दोस्तों ये है कर्नाटक। हाल ही में भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं में, तो ये वृद्धि दर्ज की गई है 0.46%। जर्मनी ने हाल ही में जिस वर्ष तक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जलवायु संरक्षण अधिनियम यानी क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है, तो ये पारित किया है 2030 तक। हाल ही में संपन्न पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2019 में भारत कितने स्थान पर रहा, तो भारत को स्थान मिला है 24वां। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में किस पेट्रोलियम को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 6 तेल उत्पादक कंपनियों में शामिल हो गई है? दोस्तों तो ब्रिटिश पेट्रोलियम को रिलायंस इंडस्ट्री ने पीछे छोड़ दिया है। फॉर्चून के द्वारा जारी बिजनेस ऑफ द ईयर की लिस्ट में टॉप 10 में पहला स्थान किस CEO को मिला है? दोस्तों ये मिला है सत्या नडेला को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आज का प्रश्न, इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त सितंबर और अक्टूबर का अगर वन लाइनर करंट अफेयर ई-बुक आपको चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनमें से किस वरिष्ठ पत्रकार ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA के पद से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ब्रज खंडेलवाल, राजकिशोर, नजम सेठी या रजत शर्मा? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बारी है कल के उत्तर की। कल मैंने पूछा था कि किसने जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा वापस ली है, तो दोस्तों ये है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा वापस लेते हुए उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने को कहा है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए।